अलवर के एनीबी थाने में नकबजनी रोकने की दिशा में 43 लोगों को दस्तयाब किया गया था, जिसमें एक युवक की पिटाई के बाद अस्पताल में इलाज के दौरान युवक की मौत के आरोप पुलिस पर लग रहे हैं। इस मामले में परिजनों ने एनीबी थाने के सामने आज पुलिस के खिलाफ प्रदर्शन किया। शहर में नकबजनी की वारदातों को रोकने की दिशा में 4 थानों की पुलिस ने कार्यवाही करते हुए 2 दिन पूर्व एनबी थाना क्षेत्र में जुग्गी बस्ती में रहने वाले 43 लोगों के खिलाफ पर्चा बी के तहत उन्हें दस्तयाब किया गया था। एनबी थाने में कागजी कार्यवाही करते हुए उन्हें छोड़ दिया गया, लेकिन इस कार्यवाही के बाद इसमें शामिल अमर सिंह की नाक में खून बह रहा था। परिजनों ने पुलिस पर अमर सिंह की पिटाई के आरोप लगाए। अमर सिंह को निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया था। वहाँ हालत खराब होने पर उसे सामान्य अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहाँ इलाज के दौरान अमर सिंह की मौत हो गई थी। इस मामले में परिजनों ने आज एनीबी थाने के बाहर प्रदर्शन किया। मृतक अमर की बहन का कहना है कि पुलिस ने देर रात इस तरह कार्यवाही की जैसे किसी आतंकवादी को गिरफ्तार करने आए हों। एनीबी थाने में लाकर अमर सिंह की पिटाई की गई, जिससे उसकी इलाज के दौरान मौत हो गई। मैं अमर सिंह की बहन हूँ, मेरे से छोटा भाई था, मेरी उम्र है 30 साल, मेरे भाई की 25 साल उम्र है, 25-26 साल। हम सो रहे थे, हमको पता नहीं कि पुलिस वाला हमारे पे कौन सा घापा घालेगी, हमको बिल्कुल ही पता नहीं था। हम तो अनभोर सो रहे थे, आए जैसे चार थाने की पुलिस आई, ऐसा लग रहा है कि कोई आतंकवादी सो रहे थे, ऐसे करके आए। तो बच्चा है तो बच्चे को तो उठा के फेंक दिया। मैं जो मर्द थे हमारे मर्द को लेडीज बाल पकड़ के खींच लाए उनको। जो अमर सिंह था नंबर वन पे मेरे भाई की जुग्गी आती थी, तो सबसे पहले उनको अकेले को यहाँ पे लाया थाने में, और बाकी को लोग को कम से कम 20-25 जने को बाद में लाए, अकेले अमर सिंह को पहले ही लाया उन लोगों ने। फिर यहाँ लेके आए, उनने कहा कि लगा तुम्हारा रिपोर्ट दर्ज कर लिया, कल सुबह आना तो तुम आधार कार्ड पहचान पत्र लेके आना। जब इनने क्या पता मारा या ना मारा, यहाँ थाने में आए, जैसे ही वो लड़के का नाक में से ब्लेड चले चालू हो गया, यहाँ सर पे से वो खून चला, तो वो लड़के ने ऐसे थाने में खून आ गया उसका, ऐसे करके देखा, ऐसे खोला तो ढेर तो यहीं पे लग गया थाने में खून का। यहाँ से गए 2 पुलिस वाले। आपको क्या लग रहा है, पुलिस ने मारा है या उसके कोई अपना? पुलिस ने मारा है उनको, मेरे को तो ये जबरदस्ती मेरा घर में भाई सो रहा था, जब तो उनका बिलेट आया नहीं, थाने में आ गया तो उसको नाक में से बिलेट कैसे आने लगा। शहर में चोरी की वारदात काफी बढ़ रही थी, इसको ध्यान में रखते हुए एनबी क्षेत्र में बाहर की एमपी के काफी लोग अभी नए आकर के डेरा डाले हुए थे, उच्च अधिकारियों को इस संबंध में रिपोर्ट देंगे, तो उनके नेतृत्व में एक सर्च अभियान के रूप में उनको चेक किया गया, थाने पर लाया गया और उनके नाम पता पूछ करके और उनको रवाना किया गया। कब की घटना? परसों की रात की घटना है। कितने बजे के करीब? वो करीबन 10:30-11 बजे का। कौन सी जगह की बात है सर ये? अपने हनुमान सर्किल के पास में धनकार होटल है, उसके पीछे जिग्गी जो है। बस शहर में बहुत अधिक चोरियां हो रही हैं, वो चोरियों के संबंध में एक बाहर के कौन लोग हैं उनकी वेरीफाई करने के लिए, कौन आदमी कहां का रहने वाला है उसकी सत्यापन करने के लिए। कितने लोग लाए थे? वो करीबन आए थे 42-43 लोग थे। ऐसा है किसी ने नहीं मारा इनको, मारपीट की पूरी टीम है हमारे पास यहाँ लाए, जो सीसीटीवी फुटेज है ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं तो यही बताना चाहूँगा कोई किसी ने पुलिस ने किसी को भी एक डंडा नहीं मारा। मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि आदमी किसी पे भी आरोप तो किसी पे भी लगा सकते हो, और यदि वो कह रहे हैं कि भाई उसको मार दिया, तो मैं तो उन लोगों से भी और सभी से कहना चाहता हूँ कि उसका मेडिकल बोर्ड से वो पोस्टमार्टम करा लेते, और यदि मेडिकल बोर्ड से ये आ जाता है कि भाई चोटों के से वो मरा है, बिल्कुल क्यों नहीं लीगल कार्रवाई की जाएगी। अभी सर ये इनकी क्या मांग है फिलहाल, क्या मांग कर रहे हैं बाहर में? ये कह रहे हैं कि साहब मुकदमा दर्ज करो। हमने कह दिया कि भाई ठीक है मुकदमा दर्ज कर लेंगे, मेडिकल बोर्ड से अपने वो करा लेते हैं इसकी पोस्टमार्टम, मुकदमा दर्ज कर लेंगे। और बीच में ये बता रहे हैं सीओसीटी के ऊपर भी आरोप लगा रहे हैं कि साहब उन्होंने मार दिया। अब देखो जितने लोग हैं जितनी बातें लोग करते रहते हैं, ऐसा किसी ने मारपीट नहीं किया।